ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं शनिवार यानी कि 13 जून 2020 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। हमारा जो भारतीय ज्योतिष पंचांग होता है वो होता है सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त पर आधारित। पंचांग एक संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है पांच अंगों से निर्मित, जिसके पांच अंग होते हैं और वो पांच अंग होते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इन्हीं पांचों चीज़ों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्माण होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय और सही नक्षत्र का होना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको शनिवार यानी कि 13 जून 2020 के इन्हीं सभी चीज़ों की संपूर्ण और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। आज का पंचांग बताना आरंभ करूँ उससे पहले शुभकामना देना चाहूँगा उन लोगों को जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की तरह आप दोनों की जोड़ी हमेशा के लिए यूं ही बनी रहे। साथ ही साथ जो कोई भी व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आपके लिए मैं भगवान गणेश से आज के दिन की मंगलमय होने की कामना करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलते हैं, जानते हैं शनिवार 13 जून 2020 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। आज है विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, कली संवत 5122, माह रहने वाला आषाढ़, पक्ष कृष्ण, ऋतु ग्रीष्म रहेगी, तिथि रहने वाली है अष्टमी। अष्टमी तिथि आज रात के 1:18 तक रहने वाला है, उसके बाद नौवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहने वाला पूर्व भाद्रपदा। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आज रात के 10:33 तक रहने वाला है, उसके बाद उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण आज रहने वाला है पालव। पालव करण आज सुबह के 11:55 तक रहेगा, उसके बाद कौलव करण आरंभ हो जाएगा जो कि रात के 1 तक चलेगा और रात 1 के बाद तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। योग रहने वाला आज प्रीति। प्रीति योग आज दिन के 11 तक रहेगा, उसके बाद आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा। दिशाशूल रहने वाला है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा ना करें। शुभ खाद्य आज का रहने वाला अदरक। अदरक का छोटा टुकड़ा भी खाकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य आज बनेंगे। चंद्राशि रहने वाली आज कुंभ। कुंभ राशि में चंद्रमा आज दिन के 3:58 तक विराजित रहेंगे, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो राशिफल हम आज भी कुंभ राशि के हिसाब से ही देखेंगे। व्रत त्योहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर। सूर्योदय होगा आज सुबह के 5:22 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 7:19 पर, चंद्रोदय होगा रात के 1:07 पर और चंद्रयास्त होने वाला है दिन के 12:16 पर। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के शुभ चौघड़िया पर। आज का शुभ समय रहने वाला है सुबह के 7:07 से लेकर सुबह के 8:51 तक और आज का चर समय रहने वाला है दिन के 12:21 से लेकर 2:05 तक और आज का लाभ समय रहने वाला है दिन के 2:05 से लेकर 3:50 तक और आज का अमृत समय रहने वाला है दिन के 3:50 से लेकर शाम के 5:35 तक। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के राहु काल और गुलिक काल की स्थिति पर। राहु काल आज रहने वाला है सुबह के 8:51 से लेकर सुबह के 10:36 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। आज का गुलिक काल रहने वाला है सुबह के 5:22 से लेकर सुबह के 7:07 तक। इस समय में आप कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, सफलता आपको हाथ लगेगी। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला आज दिन के 11:52 से लेकर 12:48 तक और आज का विजय मुहूर्त रहने वाला है दिन के 12:13 से लेकर 12:21 तक। आज का गोधूली मुहूर्त रहने वाला है शाम के 7:02 से लेकर 7:29 तक। तो मित्रों यहाँ पे मैंने आपको आज का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग बताया है। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।